लास वेगस से करीब 80 मील की दूरी पर मौजूद नेवाड़ा रेगिस्तान है, जो अपनी गोपनीयता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहीं पर स्थित है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी रहस्यमय जगह है जो अमेरिका के सरकार ने खुद बनाई है। इस जगह के बारे में यहां की सरकार किसी को भी खुलकर कुछ भी नहीं बताती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस को रखा गया है। खैर बात जो भी हो, लेकिन किसी के पास भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी रहस्यमय जगह के बारे में, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। पहले जानते हैं एरिया 51 है क्या। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो पश्चिमी यूएसए के नेवाड़ा के दक्षिण में स्थित है। इस जगह को नेवाड़ा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा जाता है। चलिए जानते हैं एरिया 51 के रहस्यों के बारे में। नंबर फर्स्ट, कहा जाता है कि इस जगह पर सन 1947 में एक यूएफओ ब्लास्ट होकर गिरा था, जिसमें से एक एलियंस की लाश बरामद हुई थी। यह एलियन 4 फीट का था और मानव की शरीर की आकृति का था। नंबर टू, एरिया 51 में एलियन के मिलने की खबर दुनिया भर में फैल गई, जिसके कारण अमेरिका ने इस जगह को रिस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर एलियन के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी के पास भी इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात को सच बताती है। नंबर थ्री, इस जगह के आसपास भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके आसपास भटकने पर गोली मारने का भी आदेश जारी किया है, जिसके कारण एरिया 51 में असल में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी सच्चे सबूत नहीं मिल पाए हैं। नंबर फोर, हालांकि वहां पर काम करने वाले एक 80 साल के वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले अगस्त 2014 को एलियन की तस्वीरें भेजी थी और कहा था कि एरिया 51 और एलियन दोनों ही सच हैं और वे पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बताया था कि एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलियन क्विंटम निया नामक प्लैनेट से आए थे, हालांकि आधिकारिक तौर पर इन सभी तथ्यों को नकारा गया। नंबर फाइव, इस रहस्यमय जगह के बारे में लोगों को जानने की दिलचस्पी बढ़ती ही गई और एक बार फिर से यह रहस्यमय जगह चर्चा में आई, जब अमेरिका ने सन 1996 में नेवाड़ा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया। नंबर सिक्स, एरिया 51 इतना खुफिया है कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में एरिया 51 का जिक्र नहीं है। नंबर सेवन, सन 2013 में पहली बार CIA ने एरिया 51 के बारे में पुष्टि की और बताया कि यह जगह U-2 एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई है। नंबर एट, एरिया 51 की तस्वीरें लेने की अनुमति किसी भी देश की सैटेलाइट को नहीं है, लेकिन जब 1988 में अमेरिका और रशिया के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तब रशिया की सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें खींची थी। नंबर नाइन, रूसी सैटेलाइट की वजह से दुनिया के सामने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों से पता चला कि एरिया 51 में 8 रनवे है और यह अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। नंबर 10, एरिया 51 की चारों ओर बाड़ लगाई गई है ताकि कोई इंसान या जानवर इसके भीतर किसी भी समय अंदर ना जा सके। इसके बाहर चारों ओर हथियारों से लैस सैनिक घूम रहे होते हैं। नंबर 11, इस जगह के आसपास रहने वाले सभी लोगों के घर को जबरदस्ती खाली करवा दिया गया था। नंबर 12,
कहा जाता है कि इस जगह में काम करने वाले सभी लोगों को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं बताई जाती है। नंबर 13, एरिया 51 पर नेशनल जियोग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है ताकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इसमें एरिया 51 को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मिलिट्री अड्डा बताया गया है, पर ज्यादातर लोग एरिया 51 को एलियन रिसर्च सेंटर ही मानते हैं। नंबर 14, हाल ही में अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 57% लोग ऐसा ही मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ को रखा गया है। नंबर 15, यह जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यदि यहाँ पर आपकी जान न्यूक्लियर हथियार और एलियंस से बच भी जाती है तब भी आपकी जान को खतरा है। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से इस जगह पर जाने से आपको कैंसर भी हो जाता है। नंबर 16, कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से इस जगह की निगरानी की जाती है और इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में सेंसर लगाया गया है जिससे किसी भी हलचल का पता लगाया जा सके। खैर जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया से एरिया 51 को छुपाना चाहता है इससे एक बात तो पक्की है, उस जगह पर जरूर कोई ऐसी राज छिपे हुए हैं जो अमेरिका दूसरों को बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि एलियंस और यूएफओ की बात सच्ची हो। नंबर 17, कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं। वो लगातार एलियन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विमानों पर भी शोध कर रहे हैं और एलियंस की दिमाग पर भी रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 18, इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील भी है जिसके बारे में गूगल मैप में भी कोई जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे है। यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 8 रनवे है, उनमें खुफिया विमान उड़ान भरते हैं। नंबर 19, खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न दस्तरी को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद खास लोगों और इनसे जुड़ी अधिकारियों को ही थी। नंबर 20, जब एरिया 51 को परीक्षण क्षेत्र के तौर पर चुना गया तो 85 फीट लंबे रनवे की निर्माण की जरूरत पड़ी। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए इस निर्माण कार्य को केवल रात में ही किया जाता था। नंबर 21, इस इलाके के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी देकर अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर पायलट ऐसा नहीं करता तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्यवाही करती है। नंबर 22, इस जगह पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। सरकार इसे अक्सर टॉप सीक्रेट ही रखना चाहती है। यहाँ पर लगे होल्डिंग पर लिखा होता है कि किसी भी प्रतिबंधित आदमी को देखते ही गोली मार दी जाएगी। नंबर 23, एलियन एकमात्र ऐसा विषय है जिसे लेकर हर साल ना जाने कितनी थ्योरीज सामने आती है। वैज्ञानिकों में भी इन्हें लेकर कई प्रकार की मतभेद होती है। नंबर 14, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर नहीं गए। एरिया 51 में अमेरिका ने फेक सेटअप लगाकर उनसे मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। नंबर 25, कई ऐसे लोग भी हैं जो इस जगह पर जाना नहीं चाहते क्योंकि एलियंस के डेड बॉडीज वाली फोटो भी मीडिया द्वारा कई बार दिखाई गई है। इसी वजह से लोग इस खुफिया जगह पर जाने से डरते हैं।
सो गाइस, आई होप एरिया 51 से जुड़ी यह फैक्ट आपको जरूर पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी जानने को मिली होगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।